अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के स्पीकर का नाम है फ़ज़ील उस्मानी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप IQ ऑप्शन में पाकिस्तान से जो है डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने अपना अकाउंट IQ ऑप्शन की वेबसाइट पर जाके साइन अप करना है और ईमेल के थ्रू अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद जो है आपने CNIC अपलोड करनी है, फ्रंट एंड बैक, उर्दू या स्मार्ट कार्ड दोनों जो है यहाँ पे वर्क करते हैं। उसके बाद आपने सेल्फ़ी वेरिफिकेशन से अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन होने के बाद देख सकते हैं कि इस तरह से आपके पास शो होगा। तो अब हम चलते हैं गूगल पर और वहाँ से हम IQ ऑप्शन की वेबसाइट पर जाके जो है अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। जिस ईमेल से आपका अकाउंट होगा आपने उसी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना है। सो यहाँ मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपने जो है प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से डिपॉज़िट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपके पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। तो बहुत से लोग पहले परफेक्ट मनी और स्किल से करते थे, लेकिन इसके लिए जो है वो कैश माल यूज़ करते थे, बट आजकल कैश माल के साथ जो इशू है वो डिपॉज़िट विदड्रॉ जो है रोक के बैठे हैं। मे बी वो स्कैम हो गई है वेबसाइट, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इसके अलावा बिटकॉइन यूज़ कर सकते हैं, बाइनेंस या कोइनबेस वगैरह, क्योंकि ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आपके पास वीज़ा कार्ड नहीं है। तो फ़िलहाल मैं वीज़ा कार्ड से करूँगा और आपके पास भी अगर वीज़ा या मास्टर कार्ड है तो आपने वीज़ा कार्ड पर क्लिक करना है, या मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपसे पूछेगा कि आपने कितनी जो है अमाउंट विदड्रॉ करनी है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे $10 जो है डिपॉज़िट करना है, तो मैं $10 पर जो है क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट पर मैं क्लिक करूँगा। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद हमें अपना नेम लिखना है, जो भी कार्ड पर नेम होगा। उसके बाद जो है एक्सपायरी डेट लिखनी होगी और अपना कार्ड होल्डर नेम लिखना होगा। तो यहाँ मैं जो है एक्सपायरी और सिक्योरिटी 3 डिजिट जो है कार्ड के पीछे पिन होती है 1 डिजिट की, वो हाइड कर दूंगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उसके बाद प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करूंगा और ये कुछ टाइम लेगा। और उसके बाद जो है आपके नंबर पर कोड आएगा, जिस जो आपके बैंक से कनेक्ट होगा, आपने जो है वो कोड यहाँ पे एंटर करना है, जो भी आपका बैंक है, और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड से प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद जो है ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा IQ ऑप्शन की वेबसाइट पर और आपका डिपॉज़िट जो है सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। और अगर आपके पास मास्टर कार्ड नहीं है तो आप बिटकॉइन से जो है इसमें कर सकते हैं, बाइनेंस, कोइनबेस या ब्लॉकचेन, किसी भी वॉलेट को यूज़ करके। इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप ऑनलाइन मास्टर कार्ड हासिल कर सकते हैं बगैर किसी बैंक के। उसमें आप बिटकॉइन के थ्रू डिपॉज़िट करके उस मास्टर कार्ड को ऑनलाइन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।